So this video is story of Indian Army Havaldar Hangappan Dada, and he was awarded Ashok Chakra. So let's go ahead and guys watch this video. 13,000 फुट की ऊंचाई पर हवलदार अहंगपन दादा उत्तरी कश्मीर सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया है. उस काम पर ना तो यही में जन्म हुआ था किसी जगह में. एल्डर ब्रदर हिमाचल प्रदेश. About Dada, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down to pray. Abhi tak main zinda hoon, Hangappan Dada ka vajah se. Wo pani mein dubne se humko bachaya. Isliye aapka samne abhi baitha hoon. Sarati to saath hai. Pair mein chad ke फल तोड़ के ले आके खा के और दोस्तों को खिलाने का ये सब तो था. सुबह खेलने में, रनिंग करने में, पेड़ चढ़ने में, जो भी काम है वो उसको जीतना है. ऐसा था वो बात करता था वो दूसरा को समझाना, दूसरा के साथ बात करना, वो बहुत इंटरेस्ट था. सही रास्ता में था, फिजिकली फिट भी था. एवरी मॉर्निंग रनिंग किया, पुशअप 20-25 बार. इसी टाइम में फौजी का ये निकला इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट होगा कुछ जन होंगे तो हो गया. आगे बढ़ना है, नीचे नहीं देखना है. फौजी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, वो निभाना है. He told me that he is very happy with the work and he is always grateful to God for giving this particular job. He came to meet me and told me, Father, please pray for me. I'm going to Jammu and Kashmir. Kashmir ka Kupwara district. Ye location LC ke bilkul saath hai. Infiltration jyada tar hota hai. To inme kaam karne ka maja alag hi hai. Lekin wahan ped pauda nahi hone ka karan se jo hai, oxygen bahut hi kam milta hai. हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकना रहना पड़ता है सर. हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है. यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है. साबू पोस्ट से जब हम मसरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला प्रदेश मीरा नार जो ऊपर से आता है, उसका फिर आगे आता है एक मरसरी डीस डायरेक्ट शमशाबारी डीस का तरफ निकलता है. On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi Ridge. Ab farso peta sab ambos point ka aage mein chal militan aaya hua dekha tha. Subah 6 baje taraf chup chup ke un log nikala tha. Ab na OC sab ko report kya sab. Haan OP bolo. 4 militant? Acha general area Meera mein. ठीक है, उन पे नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना. और ध्यान रखना, कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए. 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा 6 बजे तक खबर है. हेलो साबू पोस्ट. हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ. आपने स्टॉप एस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ. और ध्यान रखना, कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए. आई इमीडिएटली प्लेस स्टॉप्स एंड कॉर्डन द एंटायर एरिया. हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया. 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाया नीचे. एक टीम सुविधा क्रूम अनंत, एक टीम नाइक नजीबुर. हवलदार अनुपम दादा who was placed in the Sabu post immediately moved along with his team to block the most likely route of escape in the Mirana. कितने टेररिस्ट, हाउ मेनी टेररिस्ट वर देयर? 4. सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने. मेरा नाला से मेरा रिस्क के तरफ सामने हमको कोवर्ट करने के लगता है. 4, दीज आर द टेररिस्ट्स. कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमसी फायरिंग किया. 2 मिलिटेंट उधर में रुक गया, 2 मिलिटेंट नीचे भाग गया. मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था, फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया.
पीछे जो है हमारा हॉल्डर सब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर। वो दादा आगे बढ़ा खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया। दादा ने खत्म कर दिया। दो को नेगरू में वहां में कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन एयर ऑपरेशन ऐसा बोला था ना, मजाक से बोलता था ना, ना सही है तो मालूम नहीं है बोलता था ऐसे। हम लोग चार्ज में क्या था बचा तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा एक महीना ना, एक महीना आता था तब वो क्रिसमस समय में नहीं तो चालो लोग समय आता था। सुबह में हम हमेशा 7-6:30 जैसे में न्यूज देखता है तो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर से आ रही है जहाँ की कुपवाड़ा में मुठभेड़ की खबर है। तो उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटर्स को क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसके पास तो बाइनोकुलर भी है, मोटरोला जीपीएस भी है, खाना पीना रेशन डायरी में मैप भी लिख दिया है। इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद हम दो टोली में बट गया, एक ओसी साहब की टोली एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलकर निकल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफी था इस सड़क में, ढलान में चला गया तो दिखना नाम हो गया। हवलदार दादा मूव क्विकली एंड केम फेस टू फेस विद द थर्ड टेररिस्ट। मेरे दिन के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है। गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हैं अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी दो उसको शॉट हुआ। 10:30 को फोन किया था। आप मेम साहब है, दादा का मेम साहब है। हाँ मेम साहब आपको एक बात बताना है। तो क्या क्या हुआ दादा? ठीक है मैं वही पूछा ना था। इसके बारे में तो डेफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी जान, तेरे लिए दिल रोती है। One beautiful thing he told me, Father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है नहीं, मैं इनका फिल्म निकले हमेशा पटना करते रहूंगा। अभी तब जब से दादा गया वो है कहीं ना कहीं वो है, वो ही सोचता हूँ। क्या बनेगा बड़ा होकर बेटा? आर्मी ऑफिसर। ओए वाओ ऐसा है क्या आर्मी? तो इतना अच्छा है
दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहते हैं अभी आर्मी में जाने के लिए. Other than Ankpan Dada was no ordinary soldier. He was exceptional. We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabadi Ranges. This patch of ice is the area through which the four hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. बदलाव का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है. The song is inspired from the Second World War when the Japanese had laid a siege around one of the company positions near Kohima. Though the company was under siege, they were able to survive as the quartermaster continued to indent for rations, even for soldiers who had been martyred in the war. Oh my God! फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसको देख के बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता. वीडियो में ही जो सोल्जर है उसकी ब्रेवरी, मतलब वो तो इतनी महान है कि कोई शब्द कोई वर्ड्स भी उसको पूरा ठीक तरह बयान भी नहीं कर सकते. तो पर मुझे इस वीडियो में जो एंड में जैसे वो गाना गा रहे थे कि उनकी क्या बोला था कि क्या बॉडी जमीन के अंदर है और उसका राशन हमको मिलता है, ऐसा कुछ बोला था वो. उसको सुन के मुझे तो बहुत बुरा सा लग रहा था, फील हो रहा था, क्योंकि मतलब एक सोल्जर की क्या एक लाइफ, एक बस फैमिली का एक राशन जो है उसकी इक्वल हो गई. वो बात मुझे ठीक नहीं लगी. मतलब अगर एक सोल्जर अपनी जान अपनी कंट्री के लिए दे रहा है तो उस कंट्री का फर्ज है कि वो उसके परिवार को खाली राशन नहीं, उस परिवार का सब कुछ ओवरटेक करे और फैमिली को इस बात की ये नहीं कि टेंशन फ्री हो गए कि हमें राशन मिल रहा है, उसका गाना गा रहे हैं. मुझे थोड़ा उसके बारे में थोड़ा फील हुआ. हो सकता है उसका इसका सोचना मेरा मतलब कोई और मतलब हो, पर मुझे ऐसा फील हुआ इसको देख के. हो सकता है वो मतलब ना हो, पर उससे मुझे थोड़ा महसूस हो रहा था. और इस वीडियो में जो सबसे सुंदर बात मुझे लगी और वो मेरे दिल को जो मतलब छू गई वो थी जब इस बेटे से पूछा उन्होंने कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और बेटे ने बिना हिचक बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला कि मैं आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ. तो वो सुन के तो मतलब इतना अच्छा लगा कि देखो, जिसने अपने फादर को आर्मी में खो दिया, और वो बहुत बताया भी उन्होंने कि उनके बच्चों को याद भी नहीं अपने फादर के बारे में, वो कैसे थे या किस टाइप से उनके साथ रहे थे, क्या था, वो बच्चा फिर भी आर्मी में जाना चाहता है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है. तो इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी शिक्षा उस बच्चे की हो रही है वहां पर. तो सुन के देख के दिल रोने लग गया. तो बहुत ही इमोशनल वीडियो था और इसमें एग्जांपल सेट किया है ब्रेवरी का, कि कितना ब्रेव था वो सोल्जर जो बिल्कुल जिसमें कोई भय नहीं था और उसने अपनी जान दे दी अपने देश के लिए. और ये कहना आसान बात है, अगर आप नॉर्मली देखें तो अगर घर में कोई आ जाए और गोली लेके आए, बंदूक लेके आए, तो कैसे इंसान डरता है. तो बहुत ही अच्छी बात इसे देखी, कितनी अच्छी ट्रेनिंग थी कि उसके बाद इतना निर्भय मतलब बना दिया सोल्जर को, उसने जान दे दी जिंदगी में. उससे अच्छी मौत कभी हो ही नहीं सकती.
मतलब जो इंसान सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना बलिदान दे रहा है अपने देश के लिए, उससे बढ़िया मौत क्या हो सकती है? और उसके लिए बहुत ही शक्ति चाहिए, बहुत ही दम चाहिए इस काम के लिए। तो बहुत ही, जैसे कहते हैं, वीर गति को प्राप्त हुए, तो बहुत ही मतलब सीधा अब उनका मिलन जो है भगवान से होगा और ज़िंदगी का कोई मतलब होगा। जैसे हम लोग जो होते हैं ज़िंदगी में यही सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है, हम क्यों पैदा हुए थे, रीज़न क्या था। यहाँ पे तो स्ट्रेट है क्या रीज़न था कि मतलब जान, मतलब अपने देश के लिए जो जान दे रहा है उसने प्रूफ कर दिया कि उसकी यही रीज़न था कि बलिदान देना अपने देश के लिए, उससे बढ़िया मौत नहीं हो सकती। तभी उनको मार्टर्स कहते हैं, तभी कहते हैं कि अमर हो गए। और बहुत अच्छी बात थी कि अशोक चक्र मिला था, जो इंसान ने उस हवलदार से इंटरेक्ट किया था उसने यही बोला कि वो ग्रेट आदमी है, ग्रेट सोल है, मतलब ग्रेट, उसके चारों ओर ग्रेटनेस ही ग्रेटनेस थी। और बिल्कुल डर नहीं था। और वो आगे जाके उसने ड्यूटी की और जैसे वो बोल रहा था कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस जॉब में, तो बहुत ही बढ़िया वीडियो था जो दिखाता है सैक्रिफाइस, बलिदान देना अपने देश के लिए। बहुत ही उसमें शक्ति चाहिए, बहुत दम चाहिए, बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। तो हर इंसान, अगर जब मैं इस वीडियो को देख रहा था, मैं यही सोच रहा था कि इसके कंपैरेटिवली हमने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो मतलब ये काम करके वो सीधा जो है अमर हो गया और बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। और दुख भी होता है कि उसकी फैमिली को काफ़ी कुछ मतलब सहन करना पड़ेगा, मगर अगर गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो अच्छी बात है, मगर ऐसे इंसान की कीमत तो कुछ होती नहीं है, कोई वापस नहीं कर सकता कीमत, तो वो तो बलिदान, तो बलिदान ही है। और बहुत ही अच्छी बात है कि अशोक चक्र मिला और बहुत ही बढ़िया वीडियो था।